हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्री पीएचडी कोर्स वर्क एग्जामिनेशन 2019 के पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा यहां पर टाइम ड्यूरेशन दिया है 3 आवर्स का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 70 रहेंगे, 30 मार्क्स जो है आपको प्रैक्टिकल से मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, वह है कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को उदाहरण से समझाइए। ये 7 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, इसी में ही जो इसका बी पार्ट है। तो इसमें बी पार्ट में देखिए, जो ये भी 7 मार्क्स का है, जिसमें दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताइए। तो ये आपका 7 मार्क्स का ये भी होगा, क्योंकि आपको पर क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें सब पार्ट्स होंगे। उसमें 7 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, अगर कोई सिंगल क्वेश्चन रहेगा तो वो 14 मार्क्स का रहेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जैसे अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये यहाँ पर भी जो 2nd नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 2 पार्ट्स में है, ए और बी। तो यहाँ ये 7 मार्क्स का है। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में जो है डिफरेंस आपको बताना है। ये 4 नंबर का प्रश्न है आपका। इसी के साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है, ये 3 नंबर का है, ये दिया हुआ है लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस आपको बताना है। तो ये 4 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन है दोनों। इसी प्रकार से ये जो 3rd क्वेश्चन आपका है, 3rd में ए और बी पार्ट है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि वर्ड प्रोसेसिंग को समझाइए, निम्नलिखित कार्यों को कैसे संपादित करेंगे। तो सबसे पहला इसमें दिया है क्रिएट ए फाइल इन एम एस वर्ड में फाइल बनाना। तो ये पहला प्रश्न है इसी में। इसी प्रकार जो दूसरा है, इसमें सब पार्ट्स दिए गए हैं, अरेंज फाइल्स इन फोल्डर्स में फाइलों को व्यवस्थित करना, इसके बारे में आपको बताना है। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बताना है यहाँ पर कि फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट को सही करना। इसी प्रकार जो अगला है, पेज के लेआउट को सेट करना। तो ये आपको जो प्रश्न हैं, इनके आपके 7 मार्क्स मिलेंगे। जो इसी में जो इसका सब पार्ट है, वह है कि लेटेक्स का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक दस्तावेज कैसे लिख सकते हैं, यह कैसे अपनी थीसिस को लिखने में सहायता करता है, यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको भी इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या जो 4 है, वो दिया है कि एमएस ऑफिस में कौन कौन से ग्राफिक्स और विजुलाइजेशन टूल्स हैं, प्रत्येक को उदाहरण सहित एवं प्रयोग सहित समझाइए। यह 7 अंक का प्रश्न है। इसी प्रकार जो है अगला, इसी में जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में, वह है कि गणित में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, पढ़ाने एवं सीखने में कैसे सहायता करता है। तो यह भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और इसी प्रकार जो प्रश्न संख्या 5 है, वह है कि एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल में कितने डेटा प्रकार होते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को बताइए। यह 7 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 में जो उसका बी पार्ट है, वह है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित को कैसे संपादित कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला है टेक्स्ट को रैप करना, और इसी में यूज ऑफ मैक्रो, और इसी में और आपको भी लिखना है क्रिएटिंग चार्ट या चार्ट बनाना, और इसी के साथ रो एवं कॉलम संख्या को जोड़ना। ये सब क्वेश्चन है उसी में, उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। और प्रश्न संख्या जो 6 है, यहाँ पर आप देखिए जो पहला ए इसका पार्ट है, उसके 7 मार्क्स हैं आपको। पहला है एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति क्या है, यह आकर्षित प्रस्तुति बनाने में कैसे सहायता करता है।
इसी प्रकार यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनको समझाएंगे तो उसके 2, 1, 1, 2, 2 ये मार्क्स मिलेंगे आपको। पहला है URL और HTML, www, HTTP, तो 2, 1, 1, 2, 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 7, व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, साइबर कानून एवं सुरक्षा की क्यों आवश्यकता होती, उदाहरण से समझाइए। तो ये प्रश्न संख्या 7 है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है और उसका जो बी पार्ट है वो भी 7 नंबर का ही है, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है आप देख रहे हैं कि आजकल प्रयोग में सर्च इंजन कौन कौन से हैं, यह कैसे अपनी थीसिस को लिखने में सहायता कर सकता है, जैसे आजकल याहू हैं, बिंगो, और इसके अलावा आपका क्रोम है, गूगल, ये सब क्या है, सर्च इंजन है, तो इनको आप कैसे, इनके बारे में बताना है आपको। इसी प्रकार जो प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं, प्रत्येक को उसकी विशेषताओं के साथ समझाइए, यह भी प्रश्न पूछा गया है। इसी के साथ ही साथ जो प्रश्न संख्या 8 का जो बी पार्ट है उसके बारे में पूछा गया है कि एंटी वायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, इन सॉफ्टवेयरों की क्यों आवश्यकता होती है, उचित उदाहरण सहित समझाइए। तो यह भी प्रश्न संख्या जो है उसका जो बी पार्ट है उसका है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, PhD से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, आप मुझे मैसेज बॉक्स में डालेंगे, मैं ज़रूर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगर मेरा आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को शेयर भी करें, जिससे और लोगों को भी मेरी बातें पहुँच सके और उनको भी ज्ञान मिल सके। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।